Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. आज का जो हमारा टॉपिक है ठीक है प्रीवियस जो टॉपिक किया डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ये है आज जो हम SLO नंबर पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास 10.2.2 जिसका हम बी पार्ट पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिस जो रिएक्शंस करते हैं ठीक है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स के साथ और अमोनियम सॉल्ट्स के साथ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है मेटेलिक ऑक्साइड्स एक्चुअली क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं अब हम देखेंगे कि बेसिस जो हैं हमारे पास जब मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड या प्रोडक्ट क्या बनता है सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है जिसको हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं ठीक है या कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसको जब हमारे पास बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट में बनता है और क्या कहते हैं रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट क्या है एक सॉल्ट है और साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये ठीक है ये एक बेस है बेस रिएक्ट कर रहा है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं वो है हमारे पास एक सॉल्ट जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं ठीक है लाइमस्टोन और साथ में हमें क्या मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है ठीक है जब हमने रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमारे पास हमेशा एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है तो इसी तरह बेस ने रिएक्ट किया कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप लोग मुझे करके भेज सकते हैं ठीक है एज अ होमवर्क आप लोग मुझे करके भेजें नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक उसमें हम पढ़ेंगे कि बेस जब रिएक्ट करता है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ तो हमारे पास क्या बनता है प्रोडक्ट में ठीक है ये क्या है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ठीक है दैट रिएक्ट विद बेस दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा दैट द रिजल्टेंट कंपाउंड विल बी सॉल्ट अमोनिया गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल ठीक है जब भी हमारे पास अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा ठीक है बेस के साथ तो हमारे पास सॉल्ट बनाएगा प्रोडक्ट में जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं एक जो कि एक सॉल्ट है जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं डेली रूटीन में हम अपने घरों में यूज करते हैं साथ में हमें अमोनिया गैस दे रहा है और हमें एक वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है तो जब भी हमारे पास बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम सॉल्ट के साथ तो हमें रिजल्टेंट सॉल्ट मिलेगा अमोनिया गैस मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेसिस विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स ठीक है हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया कि हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ठीक है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स और अमोनियम सॉल्ट्स के साथ हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं तो थर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स ठीक है बेसिस जब रिएक्ट करते हैं ठीक है किस चीज के साथ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स के साथ तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है देखते हैं ठीक है हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है बेस जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ ठीक है जब भी बेस हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिजल्टेंट हमारे पास कंपाउंड में क्या बनता है बेस हमारे पास ठीक है रिएक्ट कर रहा है मेटल जिंक के बेस का जो सोल्यूशन है वो एक्वस फॉर्म में है और जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में इसको जब हम आपस में हीट करते हैं ठीक है जो क्योंकि बेस हमारे साथ रिएक्ट कर रहा है तीन मेटल्स के साथ जिसमें जिंक एल्यूमिनियम और टिन है हमारे पास इन तीनों के साथ इस बेस का हम रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है ठीक है सबसे पहला जो है हमारे पास मेटल जिंक है
है, बेस रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, रिएक्ट कर रहा है, इसको अब जब हम हीट करते हैं तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये बन रहा है, और साथ में हमेशा क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक रिएक्ट करके बना रहा है वो क्या है, हमारे पास सोडियम जिंकेट है, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगर इसी इन्हीं रिएक्टेंट्स के साथ साथ में अगर वाटर मॉलिक्यूल होगा होता तो हमारे पास क्या बनता, ये वाला कंपाउंड बनता। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक रिएक्ट कर रहे हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम जिंकेट प्रोडक्ट में बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेस का, किस चीज के साथ, टिन के साथ। जब हमने बेस को रिएक्ट करवाया किस चीज के साथ, टिन के साथ हीट किया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट सोडियम स्टेनेट बन रहा है। ठीक है, सोडियम स्टेनाइट बन रहा है, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस दे रहा है हमें, सेम इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे रहा था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे रहा था। ठीक है, तो इस बात की समरी, इस रिएक्शन की समरी हम कैसे पढ़ते हैं कि जब भी कोई बेस क्या करता है, सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बेस रिएक्ट करता है मेटल सॉल्ट के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी। थर्ड हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन होता है बेस का, तो साथ में हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को भी यूज करते हैं। जब हमने क्या किया, बेस को रिएक्ट करवाया एल्युमिनियम के साथ, साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया, तो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो मिल रहा है 2NaAlO2 मिल रहा है, साथ में हमें 3 मोल्स ऑफ, ठीक है, 3 2 6 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है, साथ में क्या हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने बेस ने रिएक्ट किया एल्युमिनियम के साथ और वाटर के प्रेजेंस में, तो टेम्परेचर भी हमने दिया 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे पास बना वो क्या है, हमारे पास सोडियम एल्युमिनेट बना। ठीक है, तो तीनों रिएक्शंस में हमारे पास कॉमन चीज क्या है कि जब भी कोई बेस क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट में हमेशा एक कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, और साथ में हमारे पास गैस जो रिलीज होगी वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो आज के जो रिएक्शंस थे हमारे पास थे कि जब भी हमारे पास बेस रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, एसिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स के साथ, और साथ में अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमने वो पढ़ा, और उसके साथ ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को कुछ और रिएक्शंस भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स को लेके पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप लोग मुझे एज अ होमवर्क के तौर पर हर रिएक्शन के दो दो एग्जांपल्स करके आप लोग मुझे सबमिट करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। तो आज तक का हमारा लेक्चर था इतना ही।